सब लोगों को पता चल गया है कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग सबको एक साथ यूनाइटेड होकर कांग्रेस एलाइज वगैरह सबको मिलकर हम लोग को कुछ करना स्टेट के लिए। बहुत धोखा हो गया है, पब्लिक दुख में बहुत है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम लोग सब मिलके एक साथ चलें और जो भी मुद्दा है हमारा CAP को लेके, बॉर्डर्स बिल को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, वो सबको हम लोग को चेंज करना है। सिर्फ ये एम्प्टी टॉक्स नहीं होना चाहिए, जब तक स्टेट से हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग को सेंटर में नहीं मिलेगा, हम लोग का कोई सुनेगा नहीं। तो ये सोच के एज अ पर्सन फ्रॉम त्रिपुरा मैंने ये सोचा कि मैं ये कदम उठाऊँ और आप सबका जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं बोल सकूँगा। विनिंग चांसेस जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब हमारे एलाइज भी हैं सब साथ में, कांग्रेस ने बहुत वादा किया है सेंटर में, अगर हमारी आवाज़ पहुंचना है, हमको कुछ करना है तो हमें तो सेंटर में बोलना ही है, हम लोग को तो पीपल को रिप्रेजेंट ही करना है। तो हमारे जैसे लोग जो एडुकेटेड हैं, जो बाहर गए हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर में है और हम लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि रॉयल फैमिली ने हमेशा त्रिपुरा के लिए काम किया है, महाराजा वीर विक्रम के टाइम से, अभी भी आजकल की सरकार क्या कर रही है, सिर्फ महाराजा वीर विक्रम के नाम को लेकर ही तो आगे बढ़ रहे हैं, पर ये कुछ प्रॉमिस जो किया था उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट पे, वो तो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो मुझे ये लगा कि शायद यही मेरा समय है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें और एक ये मेरा ड्यूटी भी बनता है। इसीलिए मैंने जब देखा कि सब हमारे एलाइज हमारे साथ में हैं, कांग्रेस भी हमें हेल्प कर रही है, तो क्यों ना इस मौके का हम लोग वो मौका का फ़ायदा उठाएं और हम लोग अपने स्टेट को फिर आगे बढ़ाएं टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड पीस। यही